नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ल्यूपिजाइम सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ल्यूपिजाइम सिरप को कैसे लेना चाहिए और ल्यूपिजाइम सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ल्यूपिजाइम सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ल्यूपिजाइम सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ल्यूपिजाइम सिरप के अंदर सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए अमाइलेज और लाइपेज जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न करता है, परंतु जब किसी कारणवश हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बना पाता है, तब डॉक्टर लिक्विड सिरप की फोरम में सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम लेने की सलाह दे सकता है। ल्यूपिजाइम सिरप शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करती है। इसके अलावा ल्यूपिजाइम सिरप भूख को भी बढ़ाने में मदद करती है, और जिन व्यक्तियों को पेट भरा भरा हुआ महसूस होता है उन व्यक्तियों के लिए भी ल्यूपिजाइम सिरप बहुत ही फायदेमंद होती है। ल्यूपिजाइम सिरप का उपयोग पेनक्रियाज के रोगों में, कई प्रकार के पेट के रोगों में, पेट में गैस बनने पर, बदहजमी होने पर, भूख बढ़ाने के लिए, और जिन व्यक्तियों को सीने में जलन रहने की समस्या रहती है उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर ल्यूपिजाइम सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ल्यूपिजाइम सिरप पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर पेट में गैस बनने की समस्या को कम करती है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या ल्यूपिजाइम सिरप वजन को बढ़ाती है या नहीं। देखिए, ल्यूपिजाइम सिरप सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है। ल्यूपिजाइम सिरप केवल आपकी भूख को बढ़ाकर और पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर वजन को बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन ल्यूपिजाइम सिरप सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ल्यूपिजाइम सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ल्यूपिजाइम सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ल्यूपिजाइम सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस, दस्त और कब्ज की समस्या हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ल्यूपिजाइम सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ल्यूपिजाइम सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। लिवर और किडनी की कोई बीमारी होने पर ल्यूपिजाइम सिरप की खुराक घटानी पड़ सकती है, इसलिए लिवर और किडनी की कोई बीमारी होने पर इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ल्यूपिजाइम सिरप को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ल्यूपिजाइम सिरप का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर ल्यूपिजाइम सिरप को लेने की सलाह तभी देते हैं जब ल्यूपिजाइम सिरप का देना बहुत ही जरूरी हो। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ल्यूपिजाइम सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ल्यूपिजाइम सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ल्यूपिजाइम सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।